सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नई कहानी करने वाले हैं। हमारी कहानी का नाम है समय का महत्व। ये कहानी है एक चींटी और चिड़िया की। बेटा, एक बार एक जंगल में एक चींटी और एक चिड़िया रहते थे। वो दोनों पक्के मित्र थे, तो एक दिन चींटी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया चिड़िया, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो तुम अपने और अपने परिवार के लिए भोजन एकत्र कर लो। चिड़िया ने चींटी की बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद चिड़िया वापस अपने घोंसले पर चली गई। पर परंतु जो चींटी थी, चींटी भोजन एकत्र करने में जुट गई। बारे बादल आ गए, बारिश का मौसम आ गया। अब चींटी ने धीरे धीरे करके बहुत सारा भोजन एकत्र कर लिया परंतु चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी रही। चिड़िया ने कोई भोजन एकत्र नहीं किया और ना ही चींटी की बात पर ध्यान दिया। बारिश आ गई। बारिश की वजह से चिड़िया अपने घोंसले से बाहर ना निकल पाई और बिल्कुल भी भोजन ना लेकर आ पाई। परंतु उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे, उसकी चिड़िया के बच्चों को भूख लगी, उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे। तो बच्चों को तड़पता हुआ देख चींटी ने कहा, चिड़िया बहन, तुम मेरे भोजन में से थोड़ा सा भोजन ले सकती हो। तो चिड़िया ने चींटी से थोड़ा सा भोजन लिया और अपने बच्चों को शांत करवाया, उनकी भूख को शांत किया। फिर जब बारिश बंद हुई तो चिड़िया चींटी के पास आई और उसने चींटी का धन्यवाद किया और कहा, चींटी बहन, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और मुझे समय रहते भोजन को एकत्र कर लेना चाहिए था ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहते। तो इस तरह से चिड़िया को समय के महत्व की समझ आ गई कि समय का क्या महत्व होता है। तो बच्चे इसका